रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला छावनी विधानसभा सीट से सशक्त आजाद उम्मीदवार अम्बाला की बेटी चित्रा सरवारा ने जबरदस्त तिकोने मुकाबले में मात्र 7,248 वोटों से शिकस्त मिलने के बाद अम्बाला छावनी और यहां की जनता का दिल से धन्यवाद किया है। चित्रा सरवारा ने कहा है कि बेहतरीन खूबसूरत और जबरदस्त चुनाव लड़ने के लिए वे अपने सभी साथियों का भी दिल से आभार व्यक्त करती हैं। उन्होंने कहा कि वे मातृशक्ति की भी विशेष तौर पर आभारी हैं, जिन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी उनके चुनाव में बहुत भारी उत्साह भरा। चित्रा सरवारा ने कहा कि वे अपने सभी समर्थकों और सहयोगियों का एहसान कभी भी नहीं चुका पाएंगी। उन्होंने कहा कि हम पहले की तरह मजबूत विपक्ष के तौर पर अम्बाला छावनी के नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करेंगे। चित्रा सरवारा ने सत्ता पक्ष को भी सचेत करते हुए कहा है कि जीत मिलने के बाद वे जन समस्याओं को निपटाने के लिए अपने दायित्व को भली भांति निभाए। आपको बता दें कि अम्बाला छावनी विधानसभा सीट से जबरदस्त तिकोने मुकाबले में पूर्व गृह मंत्री और यहां से 6 बार विधायक रह चुके अनिल विज ने 59,686 वोट लेकर 7,248 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है, जबकि आजाद उम्मीदवार चित्रा सरवारा को 52,438 वोट मिले और कांग्रेस के परविंदर सिंह परी को 14,412 वोट हासिल हुए। चित्रा सरवारा ने बहुत ही मार्मिक ढंग से अपनी बात रखते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। नमस्कार अम्बाला, मैं सबसे पहले अम्बाला कैंट की सारी जनता का दिल से धन्यवाद करती हूँ एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही सकारात्मक चुनाव लड़ने के लिए। जो आपका मत रहा, जो जनता का आदेश रहा, उसे हम खुशी से स्वीकारते हैं। मैं अपनी तरफ से अपने सभी साथियों का एक दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिस जोश के साथ उन्होंने, हालांकि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हुए, हमारे जो चुनाव में उन्होंने ऊर्जा भर कर रखी। मैं अपनी तरफ से एक स्पेशल थैंक्स सारी मातृशक्ति का भी करना चाहूँगी। आपकी उपस्थिति ने, आपके साथ में हमारे में जो उम्मीद भरी और एक ऊर्जा भर के रखी, इसका आभार हम हमेशा, मैं समझती हूँ, आपका कभी भी हम चुका नहीं पाएंगे। जो आपने इतना भारी मत हमें एज विपक्ष दिया, मैं समझती हूँ जिम्मेवारी को हम हमेशा आगे निभाएंगे। मैं ये भी उम्मीद करती हूँ जिन्हें सत्ता पक्ष से जनता ने नवाजा है, वो अपना धर्म पूरी, मैं समझती हूँ, निष्ठा से निभाएंगे और एक बेहतर अम्बाला बनाने के लिए काम करेंगे। हम बतौर विपक्ष हमेशा मैदान में रहे थे और आज भी अम्बाला के हर मुद्दे पे, अम्बाला के हर साथी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और हम समझते हैं एक बेहतर अम्बाला के लिए अपना योगदान हमेशा देते रहेंगे। एक बार फिर मेरी तरफ से अम्बाला को, अम्बाला की सारी जनता को, अपने साथियों को, हमारे दोस्तों को, मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।